ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम स्वमानधारी हैं। सभी बहनें अपने अपने घरों में एक स्वमान का अभ्यास करेंगी और अनुभव देखें क्या होता है। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, अपने अपने घर की। करने हैं ये अभ्यास, इसलिए मैं ज़्यादा अभ्यास नहीं बताऊँगा, थोड़े से, ताकि आपको याद रहें। मैं इस घर के, दो चार बार बस फीलिंग सहित, केवल रिपीट नहीं करना है। मैं हूँ, ये घर मेरा मंदिर है, मैं इसमें कौन हूँ? इष्ट देवी। देखना क्या होता आपके घर का मंदिर बन जाएगा। जो माताएं करती हैं, मुझे अनुभव सुनाती हैं, बहुत परिवर्तन आ गया, सब में परिवर्तन आ गया। तो एक भोजन बनाते हुए, एक मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, और एक औरा बनाना सवेर सवेरे, वो एक बार बना देना, लेकिन अपने घर में 5 बार बाप दादा का आह्वान। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस, छोटी बात नहीं समझना, ये सब योग। बाप दादा को बुलाओ, फील करो, आंगन में या कमरे में आकर खड़े हो गए हैं, और बाबा की किरणें चार, आपके घर की बैड एनर्जी नष्ट हो रही है, विघ्न नष्ट हो रहे हैं, व्यसन नष्ट हो रहे हैं, बहुत सुंदर माहौल, बाबा हर चीज़ को दृष्टि दे रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, आनंद की फीलिंग होने लगेगी तुरंत। बस एक प्रोग्राम बनाओ, करना है। ये नहीं शाम को सोचे तो भूल गए, लिख के रख देना कहीं ये 3-4 बातें, और इनको करना है। भाई लोग कौन सा स्वमान लेंगे अपने घरों में? माताएं तो इष्ट देवी हो गई, भाई लोग इष्ट देव हैं। कौन सा? हनुमान, गणेश। आजकल हनुमान की बड़ी मान्यता, बड़े बड़े स्टैचू बना रहे हैं जहाँ तहाँ। मैं इस घर में एक महान आत्मा हूँ, बहुत गुड फीलिंग के साथ। मैं पूर्वज हूँ, ये 2 स्वमान याद रखना। वैसा ही वाइब्रेशंस घर में फैलने लगेगा, व्यवहार वैसा हो जाएगा, लोगों से वैसा ही सम्मान मिलेगा।